नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। WHO की चेतावनी, दुनिया संकट में कभी भी फैल सकती है महामारी। दुनिया पर एक और खतरा मंडरा रहा है। WHO ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि दुनिया में कोरोना महामारी के 4 साल बाद एक बार फिर बड़े खतरे के संकेत है और एक बार फिर पूरी दुनिया पर महामारी फैल सकती है। याद हो कि साल 11 मार्च 2020 में कोरोना को महामारी घोषित किया गया था। अब एक बार फिर 4 साल के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह चेतावनी दी है। स्काई न्यूज की एक रिपोर्ट की माने तो यूनाइटेड किंगडम के वायरल बीमारियों में स्पेशलिस्ट ने महामारी फैलाने वाले एक वायरस के बारे में जानकारी होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि यह वायरस जानवरों से मनुष्यों में तेजी से फैलने में सक्षम है। साथ ही उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि यह दुनिया में हाहाकार मचा सकता है, ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। साथ ही किंग्स कॉलेज लंदन के लेक्चरर डॉक्टर नथाली ने भी आगाह करते हुए कहा है कि अगली महामारी बहुत करीब है। साथ ही उन्होंने आगाह करते हुए कहा है कि यह 2 साल में भी आ सकती है या यह 20 साल भी लगा सकती है या इससे लंबा भी हो सकती है, लेकिन हमको अलर्ट रहना होगा। हमें सतर्क रहने, तैयार रहने और इसको रोकने के लिए हर स्तर पर काम करने की आवश्यकता है। यह भारी तबाही मचाएगी। होली पर झारखंड में वज्रपात से एक की मौत, 2 घायल। झारखंड में रांची, लोहरदगा, सरायकेला, खरसावा समेत कई जिलों में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला। आंधी तूफान के साथ बारिश व ओलावृष्टि हुई। इसके साथ ही वज्रपात ने भी कहर बरपाया। लोहरदगा जिले में सोमवार की दोपहर में मौसम अचानक बदल गया। सेना प्रखंड में आंधी तूफान एवं ओलावृष्टि के साथ वज्रपात हुआ, इससे भारी नुकसान हुआ है। एक तरफ जहां वज्रपात से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं यात्री सेट पर पेड़ गिरने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें लोहरदगा जिले में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला और आंधी तूफान के साथ वज्रपात में 1 लोगों की मौत हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने जारी किया चुनाव चिन्ह। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही झारखंड की सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ भाजपा ने जहां राज्य की 13 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, तो वहीं दूसरी ओर इंडिया गठबंधन में सीटों का खाका तैयार हो गया है। जल्द ही झामुमो, कांग्रेस और रायत के द्वारा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। इसी बीच भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय, क्षेत्रीय दल समेत सभी निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए चुनाव चिन्ह की घोषणा कर दी है। भाजपा को कमल का फूल, झामुमो को तीर कमान, आशु को केला, कांग्रेस को हाथ का प्रतीक चिन्ह मिला है। उसी तरह आम आदमी पार्टी को झाड़ू, बहुजन समाज पार्टी को हाथी और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को हथौड़ा, हाशिया और सितारा, रायत को लालटेन का प्रतीक चिन्ह मिला है। वहीं निर्दलीय उम्मीदवारों को एयर कंडीशनर, अलमीरा, सेब, ऑटो रिक्शा, बेबी वॉकर, गुब्बारा, चूड़िया और फलों से युक्त टोकरी, बल्ला, बल्लेबाज, बैटरी टॉर्च, मोतिया का हार आदि मिले हैं। गढ़वा पुलिस को बड़ी कामयाबी, हथियार के साथ 3 गिरफ्तार। लोकसभा चुनाव से पहले गढ़वा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने कई हथियार बरामद किए हैं। इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तारी भी किया गया। SP ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी है। गढ़वा के पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार पांडे ने बताया, गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में 4 देसी कट्टे, 7.65 mm की 3 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 2 मैगजीन, 7.65 mm के 7 कारतूस एवं 0.315 mm के 2 खोखे बरामद किए गए। इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। गिरफ्तार किए गए 3 लोगों की उम्र 25 से 45 के बीच की है। 3 गढ़वा जिले के ही रहने वाले हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों के DEO से मांगा शपथ पत्र। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल तथा सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को शपथ पत्र देने को कहा है कि उन्होंने वित्त रहित स्कूलों, कॉलेजों एवं मदरसों के अनुदान की अनुशंसा स्थलीय जाँच की बात की है। निदेशालय ने बाकायदा इसका प्रारूप काउंसिल तथा सभी DEO को भेजा है। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकारियों को 2 दिनों में यह शपथ पत्र देने को कहा गया। यह शपथ पत्र 23 मार्च की तिथि से जारी हुई है। बता दें सभी जिलों को भेजे गए पत्र में माध्यमिक शिक्षा के अवर सचिव अखिलेश कुमार पांडे ने कहा है कि 22 मार्च को अनुदान समिति की हुई बैठक में यह बात सामने आई है कि बहुत से जिलों एवं झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा अनुदान को लेकर स्कूल कॉलेज के स्थलीय जांच से संबंधित स्पष्ट सूचना और जानकारी उनके अनुशंसा में उपलब्ध नहीं है।
पलामू में होली पर मोटरसाइकिल की आपस में भिड़ंत, दो की मौत। होली की खुमार में दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गए। घटना सोमवार की रात करीब 8:30 बजे की है। पलामू के पाटन पड़वा मुख्य पथ पर कोकरसा स्कूल के समीप दो मोटरसाइकिल आपस में भिड़ गए। बता दें, पैशन प्रो पे सवार तीन युवक जो पाटन प्रखंड के नवाडी उताकी से डाल्टनगंज जा रहे थे और इस पर तीन लोग सवार थे। इसमें एक संजीव शुक्ला जो पाटन थाना के पाल्हे के रहने वाला है वो गंभीर रूप से घायल है। वहीं बिना नंबर के न्यू यामाहा पर सवार तीन युवक जीतू भुइया, लखन भुइया व मिठू भुइया जो नवा बाजार के पतहरिया के रहने वाले हैं, ये तीनों अपने रिश्तेदार छतरपुर से भीख ही जा रहे थे। इसी बीच कोकरसा स्कूल के पास दोनों बाइकों में आपस में भिड़ंत हो गई। कोयल नदी में डूबने से दो बच्चों की मौत। झारखंड के पलामू में होली के दिन बड़ा हादसा हो गया। इस दौरान पलामू जिले के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र स्थित कादल कुर्मी गांव में दो बच्चियों की मौत कोयल नदी में डूबने से हो गई। इससे हर्षोल्लास का पर्व होली गांव में बदल गया। बताया गया है कि सोमवार को गांव के 5 से 6 बच्चे कादल कुर्मी पंचायत सचिवालय के पास कोयल नदी में स्नान करने गए थे, जिसमें दो बच्चों की मौत गहरे पानी में जाने से हो गया। वहीं अन्य बच्चे किसी तरह बच निकले। मृतकों में प्रिया कुमारी उम्र 9 वर्ष, पिता सखी चंद्र साहब, रूबी कुमारी उम्र 8 साल, पिता अशोक यादव शामिल हैं। सरकारी कार्यालयों पर 7 करोड़ का बिजली बिल बकाया। बिजली विभाग के आदित्यपुर और प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले विभिन्न सरकारी विभागों पर बिजली विभाग का 7 करोड़ से ज्यादा का बकाया राशि बिजली बिल के मद में है। इसके लिए विभागों से पत्राचार किया जा रहा है। बकाया राशि 31 मार्च तक जमा नहीं करने पर कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में विद्युत महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने कहा है कि जमशेदपुर एरिया बोर्ड में विभिन्न सरकारी कार्यालयों पर 81 करोड़ रुपये बिजली बिल बकाया है। बिजली विभाग का कोल्हान के सरकारी कार्यालयों पर करीब बिजली बिल का 81 करोड़ रुपये बकाया है, जिसकी वसूली के लिए विद्युत महाप्रबंधक श्रवण कुमार ने 31 मार्च तक वसूलने की रणनीति बनाई गई और सभी सरकारी विभागों को बिल अदायगी का पत्र भी भेजा है। धनबाद में 1 महीने में बनकर तैयार होगा एयरपोर्ट। आखिरकार धनबाद में एयरपोर्ट की मांग चुनाव नजदीक आते ही पूरी हो ही गई। 1 महीने के अंदर एयरपोर्ट बन जाएगा। चाइनीज तकनीक से कम समय में निर्माण होगा। इसकी स्वीकृति सभी स्तर पर मिल चुकी है। धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा, पूर्णिमा नीरज सिंह, मथुरा प्रसाद महतो और अर्पणा सेन गुप्ता के संयुक्त प्रयास से असंभव हुआ है। बता दें, सांसद एवं विधायकों ने एक साथ मिलकर रांची से दिल्ली तक इसके लिए दबाव बनाया। धनबाद की हवा जहरीली मानी जाती थी, वह एकदम स्वच्छ हो गई। बता दें, चुनाव के प्रदूषण को कम कर दिया गया है। यह करिश्मा नगर निगम के कारण हुआ है। निगम ने लोरबी सर्कुलर रोड के मॉनिटर से वायु गुणवत्ता माप कर इसका सबूत दे दिया है। सरायकेला में श्रद्धा के साथ निकली दोल यात्रा। पवित्र दोल पूर्णिमा के मौके पर धार्मिक नगरी सरायकेला में आध्यात्मिक उत्थान श्री जगन्नाथ मंडली द्वारा राधा कृष्ण की दोल यात्रा निकाली गई। कार्यक्रम के आयोजक ज्योतिलाल साहू की अगुवाई में निकाली गई दोल यात्रा में वर्षों से चली आ रही उत्कल की प्राचीन एवं समृद्ध परंपरा की झलक दिखाई दी। बता दें, यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपने प्रेसी राधा के साथ सरायकेला के हर घर में दस्तक देकर भक्तों के साथ रंग और गुलाल खेले। भक्तों ने राधा कृष्ण के साथ गुलाल लगाकर होली खेली। भक्त और भगवान के इस मिलन को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे थे। मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने लोगों को होली की दी बधाई। रायत की ओर से चतरा के एक होटल में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि झारखंड के मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने लोगों को अबीर गुलाल लगाकर होली की बधाई दी है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी मंत्री को रंग और गुलाल लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर होली के गीत पर जमकर ठुमके लगे, रंग और गुलाल भी उड़ाए गए। होली के गीत व संगीत से पूरा माहौल होलियाना रहा। कलाकारों ने होली के साथ साथ हिंदी एवं भोजपुरी गीत व नृत्य प्रस्तुत कर लोगों को झुमाया। होली मिलन समारोह में जिले भर से आए कार्यकर्ताओं के लिए पुआ और पकवान की भी व्यवस्था की गई थी। रांची भाजपा प्रदेश कार्यालय में जमकर खेली होली। झारखंड में होली का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। झारखंड भाजपा प्रदेश कार्यालय रांची में भी जमकर होली खेली गई। इस होली मिलन समारोह में झारखंड प्रदेश के कई बड़े नेताओं की उपस्थिति रही। बता दें, भाजपा प्रदेश कार्यालय रांची में सोमवार को होली पर्व के अवसर पर पार्टी के बड़े नेताओं समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा। सभी ने जमकर होली खेली, साथ ही कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा गया। सभी लोग एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर खुशी का इजहार कर होली पर्व का बधाई और शुभकामनाएं दी है।
इस अवसर पर झारखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री करमवीर सिंह ने कहा है कि होली का रंग या खुशियों का रंग है। आज भाजपा की होली लगातार इसी तरह मनाई जाती रहेगी। वहीं सांसद दीपक प्रकाश और आदित्य साहू ने कहा है कि आने वाले दिनों में 400 पार का लक्ष्य पूरा करेंगे। वहीं विधायक नवीन जायसवाल ने कहा है कि आने वाले 6 जून को भी इसी तरह की होली मनाई जाएगी। पश्चिमी सिंहभूम में डीजे की धुन से 6 साल के बच्चे की साउंड बॉक्स से मौत। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड अंतर्गत आसन तलिया पंचायत के इंदकट्टा मुरांग टाण गांव में डीजे की धुन पर 6 साल का बच्चा विष्णु लोहरा थिरक रहा था। इसी दौरान बच्चे के ऊपर डीजे का साउंड बॉक्स गिर गया और बॉक्स के नीचे दबकर उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद बच्चे को अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। इधर हादसे के बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी लेकर जांच में जुटी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गांव में शोक की लहर है। होली पार्टी में विवाद। साहेबगंज में गोली मार कर युवक की हत्या। झारखंड के साहेबगंज जिले के राजमहल थाना क्षेत्र में सोमवार को होली के रंग में भंग पड़ गया। मंगलहाट मलाही टोला निवासी पांडव मंडल 30 वर्षीय अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए 4 पहिया वाहन से कुछ दूर गया था। होली पार्टी में किसी बात को लेकर विवाद इतना गहरा गया कि गोली मारकर पांडव मंडल की हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद दोस्तों ने शव को गाड़ी से घर की समीप लाया और भाग निकले। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस जांच में जुटी है। थाना प्रभारी गुलाम सरवर के मुताबिक मामले में आवेदन प्राप्त होते ही प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। देवघर की होली पर बोले सांसद निशिकांत दुबे। होली को लेकर चारों तरफ धूम है। झारखंड में बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर समेत पूरे राज्य में उल्लास है। होली के रंग में रंगे गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे देवघर की होली का जिक्र करते हुए कहा है कि बाबा की नगरी में 2 दिन नहीं बल्कि 3 दिन होली खेली जाती है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर उन्होंने कहा है कि लोगों में काफी उत्साह है। लोकसभा चुनाव में इस बार 400 पार या उससे भी अधिक सीटें बीजेपी को मिलेगी। वहीं गोड्डा के बीजेपी सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने कहा है कि देवघर में लोग 2 दिन नहीं 3 दिन होली खेलते हैं। बाबा बैद्यनाथ की नगरी में होली पर हरी से हर का मिलन होता है। रंग और अबीर गुलाल से लोग होली खेलते हैं, कीचड़ से भी लोग होली खेलते हैं। झारखंड के रिजवान ने ड्रीम इलेवन से जीता 1 करोड़। किसकी किस्मत कब चमक जाए ये कोई नहीं जानता। ये बातें झारखंड के युवक रिजवान उर्फ राजा की जिंदगी में बिल्कुल सटीक बैठती है। दरअसल मामला यह है कि चतरा जिला का रहने वाला ड्रीम इलेवन के जरिए 1 करोड़ की धनराशि जीत ली है। जानकारी के मुताबिक शनिवार रात कोलकाता नाइट राइडर्स बनाम सनराइजर्स हैदराबाद के मैच में रिजवान ने ड्रीम इलेवन पर टीम बनाकर किस्मत आजमाया और करोड़ों की राशि जीत ली। इस बारे में जब उससे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि कोलकाता और हैदराबाद के मैच में कुछ 59 रुपये लगाकर टीम बनाया। जब मैच समाप्त हुआ तब पता चला कि मैं 1 करोड़ की राशि जीत चुका। यह मेरे और पूरे परिवार के लिए खुशी का क्षण है। झारखंड में मौसम बदला, कई पेड़ गिरे, बिजली आपूर्ति ठप। झारखंड के जमशेदपुर जिला स्थित घाटशिला में सोमवार शाम अचानक आए आंधी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। तेज आंधी बारिश के कारण कुछ क्षण में ही पूरे आसमान में काले बादल छा गए। तेज बारिश हुआ हवाओं के कारण घाटशिला मऊ भंडार मुख्य सड़क पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के समीप एक विशाल नीम का पेड़ धराशायी हो गया। जिस वक्त पेड़ गिरा उसी समय सड़क पर लोग आवागमन भी कर रहे थे। 3 लोग पेड़ के नीचे से बाइक व स्कूटी में गुजर ही रहे थे कि अचानक पेड़ गिर गया, जिसके कारण पेड़ की डालियों से बाइक सवार को हल्की चोट लगी है। पेड़ गिरने के कारण बिजली के तार भी टूट गए हैं। वहीं शहर के कई अन्य स्थानों पर भी बिजली के पोल व पेड़ की डालियाँ टूट गई है। झारखंड में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले बीजेपी सांसद का कट्टा पत्ता। 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड में सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले धनबाद के सांसद पीएन सिंह का टिकट भाजपा ने काट दिया है। पीएन सिंह लगातार 3 बार से धनबाद के सांसद थे। वहीं पीएन सिंह का टिकट काटकर बाघमारा से विधायक ढोलू महतो को भाजपा ने धनबाद का प्रत्याशी बनाया है। ढोलू महतो बाघमारा से विधानसभा चुनाव में हैट्रिक लगा चुके हैं। वह लगातार 3 बार से बाघमारा से विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं। ढोलू का विधानसभा क्षेत्र धनबाद लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है। बाघमारा विधानसभा क्षेत्र गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। ढोलू करीब आधा दर्जन से अधिक दावेदारों को पछाड़कर भाजपा का टिकट हासिल करने में सफल रहे।
लोकसभा चुनाव में हथियार जमा करना न पड़े इसके लिए आवेदन। लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर रांची जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। चुनाव के दौरान किसी तरह का व्यवधान न हो इसके लिए आर्म्स लाइसेंस धारियों से उनके हथियार वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जिला प्रशासन के निर्देश पर थाना स्तर से आर्म्स लाइसेंस धारियों को हथियार जमा करने को कहा गया, जिसके बाद आर्म्स लाइसेंस धारी इस कोशिश में है कि उन्हें अपने हथियार जमा न करना पड़े। बताया जाता है कि रांची जिले में करीब 3500 से ज़्यादा लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं। अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा और प्रतिष्ठान की सुरक्षा समेत अन्य कारणों का हवाला देते हुए जिला सशस्त्र दंडाधिकारी के पास लोग यह आवेदन दे रहे हैं कि उनका हथियार चुनाव के दौरान जमा न कराया जाए। रांची में गहराने लगा जल संकट। गर्मी की दस्तक के साथ ही रांची शहर में जल संकट गहराने लगा है। शहर के कई क्षेत्रों में बोरिंग व चापाकलों के सूखने के कारण वहां के लोग पेयजल के लिए पूरी तरह से निगम के टैंकर पर आश्रित हो गए हैं। मई व जून में जब गर्मी चरम पर होगी तो रांची शहर के बड़े क्षेत्रों के लोगों को पेयजल किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। अभी शहर के 11 वार्डों में टैंकरों आपूर्ति हो रही है, वहीं आने वाले दिनों में पानी का संकट और बढ़ने वाला है। बताया गया है कि वर्तमान में शहर के 11 वार्डों में 3, 4, 16, 23, 25, 26, 38, 39, 52, 53 में टैंकर से जल आपूर्ति शुरू कर दी गई है। राजधानी रांची के हरमू मैदान, हरमू हाउसिंग कॉलोनी, नदी किनारे हिंदपीढ़ी, बड़ी मस्जिद हिंदपीढ़ी, सिंधवारा टोली, मोराबादी, पहाड़ी मोहल्ला, भरम टोली, आज़ाद स्कूल के पास, डंगरा टोली व बसर टोली में टैंकर से पानी का वितरण किया जा रहा है। धन्यवाद।